हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे न्यूरल नेटवर्क में कितने हिडन लेयर्स होंगे, हर हिडन लेयर में कितने नोड्स होंगे, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना चाहिए, बैच साइज कितना होना चाहिए, कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज़ करना चाहिए। अब हमें पहले से कभी भी इस बात का पता नहीं चल सकता कि ये सारी चीज़ों का आंसर क्या होगा, अनलेस आप सारी चीज़ें ट्राई करके ना देखो। सो दैट इज़ वाई आज के वीडियो में हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सीखेंगे कि हम कैसे एक न्यूरल नेटवर्क को हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जिसका नाम है केरास ट्यूनर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लाइब्रेरीज फॉर डीप लर्निंग, और वही हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत आराम से मल्टीपल चीज़ें करके दिखाई हैं। अगर आप वीडियो पूरा एंड टू एंड देखोगे, आई गारंटी यू कि आप अपने न्यूरल नेटवर्क को हाइपर पैरामीटर ट्यून कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम आज क्या करने वाले, एक नया लाइब्रेरी है, नया लाइब्रेरी एज इन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका नाम है केरास ट्यूनर। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए गाइस क्या करना है अपने को, हमको ये डेटा सेट चाहिए, एक कोई डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस पीमा डायबिटीज इंडिया डेटाबेस डेटा सेट, ये वाला जो डेटा सेट है ये उठा लो एक बार। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट है ये, इसी को हम लोग यूज करेंगे आज, और इसी से हम लोग सारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है, एक बार ओके हाँ ठीक है, चलो गाइस एक काम करो, ये वाला डेटा सेट एक बार डाउनलोड कर लो, छोटा सा डेटा सेट है, जस्ट 23 KB का, इसको डाउनलोड कर लो, इसको आप अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफाइड फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लो इसको। ओके, ये रहा वो डेटा सेट डायबिटीज वाला। अब आपको क्या करना है, गूगल कोलैब ओपन करना है। और गूगल कोलैब में जाना है और पहले तो इस डेटा सेट को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक, और यहाँ पे जाओ इस जगह पे, इस आइकन पे क्लिक करो, ये जो फोल्डर आइकन है, सो यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आई विल अपलोड दिस डायबिटीज वाला। ओके, और ये अपलोड हो गया। और अब यहाँ पे गाइज आप लिख लो इम्पोर्ट numpy as np import pandas as pd। ठीक है, और यहाँ पे गाइज एक बार इम्पोर्ट करते हैं df is equal to pd.read csv, ये रहा df.head, और ये रहा गाइज आपका डेटा सेट। आई गेस आपने कभी ना कभी डेटा सेट पे काम किया होगा, बहुत फेमस डेटा सेट है ये। ये है अपना डायबिटीज़ है कि नहीं है ये डेटा सेट है, और ये कुछ पेशेंट्स का डेटा है, एंड मोस्ट लाइकली आई गेस ये फीमेल्स के ऊपर ही डेटा है। प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज एंड फाइनली आउटकम। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं अपने पास, और फाइनली बताया गया है कि अपना डायबिटीज़ है या नहीं। आई गेस 1 का मतलब डायबिटीज़ है और 0 का मतलब डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, ये है अपना डेटा सेट। मान लो इसके ऊपर अगर आपको एक न्यूरल नेटवर्क बनाना हो यूजिंग केरास, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? आप सबसे पहले ये देख लोगे कि सारे के सारे कॉलम्स से लाइक आउटकम पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो लाइक यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल है, तो एक क्विक वे, मतलब मैं अभी उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, एक तरीका तो सीधे ये हो गया कि आप कोर फंक्शन लगा के कोरिलेशन निकाल लो ऑन टॉप ऑफ आउटकम आउटकम वाला कॉलम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं बाकी कॉलम्स। सो यू कैन सी कि आउटकम को प्रेगनेंसीज 0.2 है, ग्लूकोज 0.4 है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, स्किन थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, इंसुलिन इज 0.13, बीएमआई ज़्यादा कर रहा है, डायबिटीज़ पेडिग्री फंक्शन इज कूल, एज बहुत ज़्यादा कर रहा है, एज के बढ़ने से डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आउटकम के साथ 1 है। तो यू कैन सी मतलब इस पॉइंट पे सभी का सभी किसी ना किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट कर रहा है। आप चाहो तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, ब्लड प्रेशर एंड स्किन थिकनेस, बट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम आज ये नहीं है कि हमको एक परफेक्ट मॉडल बनाना है,
हमारा काम है कि हमको सीखना है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले एक छोटा सा मॉडल बिल्ड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से एक बार देखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज मैं एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद मैं सारा डेटा स्केल कर दूंगा, एज इन नॉर्मलाइज कर दूंगा, और उसके बाद मैं एक छोटा सा मॉडल बना के आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको याद रहे पूरी चीज़ कि आप कैसे करते थे, ठीक है। अब देखो गाइस, जनरली आप क्या करते थे, आप सबसे पहले एक्स एक्सट्रैक्ट करते हो और एक्स हो जाएगा लास्ट वाला कॉलम छोड़ के बाकी सब कुछ। तो आई वुड राइट आई लॉक सारे रोज और अपने कॉलम्स हो जाएंगे 0 से लेकर के -1 तक, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स, और अपना वाई हो जाएगा डी एफ डॉट आई लॉक सारे रोज लास्ट वाला कॉलम वैल्यूज, ठीक है। और अब क्या करोगे आप, अब मैं स्केल कर रहा हूँ, लाइक दिस इज माई एक्स, इसमें सारे के सारे इनपुट कॉलम्स हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, और इसको स्केल करने के लिए आई एम यूजिंग दिस एसकेलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, ये आप कर चुके हो पहले, स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, और यहाँ पे हम बनाएंगे स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, और उसके बाद हम स्केल कर देंगे, और स्केल करने के लिए व्हाट विल डू इज विल सिंपली राइट दिस स्टेटमेंट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एंड विल पास एक्स एंड दैट्स इट गाइस, स्केल हो गया, सारी वैल्यूज अब आई गेस -1 से 1 के रेंज में, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया। बाय द वे हमारे पास डेटा कितना है, अराउंड 700 पेशेंट्स का डेटा है हमारे पास, 768 पेशेंट्स का डेटा है, और ये अपना 8 है वहाँ पे, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं जल्दी से, sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन, लेट्स इम्पोर्ट क्वेंटस स्प्लिट एंड लेट्स डू एक्सट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल टू क्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स ट्रेन और सॉरी एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2 एंड लेट्स डू अ रैंडम स्टेट। ये सब आप पहले से जानते हो तो मैं बस एक जल्दी से करवा दे रहा हूँ। सो ये गाइज अपना डेटा प्रिपेयर हो गया, और अब क्या करते हैं, अब जल्दी से एक मॉडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक बार एक मॉडल बस मैं फॉर्म कर रहा हूँ। सो आई विल राइट इम्पोर्ट टेंसर फ्लो फ्रॉम टेंसर फ्लो इम्पोर्ट केरास फ्रॉम केरास डॉट फ्रॉम केरास इम्पोर्ट सीक्वेंशियल फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स इम्पोर्ट द डेंस लेयर, ओके। और उसके बाद आपको पता है आप क्या करते हो, आप एक मॉडल बनाते हो जो ऑब्जेक्ट है सीक्वेंशियल क्लास का, उसके बाद आप मॉडल के अंदर चीज़ों को ऐड करते हो। सो लेट्स से हम एक सिंपल सा मॉडल बना रहे हैं जिसमें दो ही लेयर्स हैं बस। सो आई वुड राइट मॉडल डॉट एड विल एड द डेंस लेयर, डेंस लेयर में हम पास करेंगे सबसे पहले अपना नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। लेट्स से हमारे पास 8 है तो हमने 32 नोड्स दे दिए। हमारा एक्टिवेशन फंक्शन इज रेल्यू, और हमारा इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू 8, क्योंकि आपको पता है ऊपर 8 का इनपुट है, ठीक है। और मैं एक लास्ट लेयर ऐड कर रहा हूँ, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ डेंस लेयर, और इस डेंस लेयर में एक न्यूरॉन है, और यहाँ पे एक्टिवेशन इज गोइंग टू बी सिग्मोइड एंड दैट्स इट। और लास्ट में आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल द मॉडल, विल पास द ऑप्टिमाइजर टू बी इक्वल टू एडम लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और लास्टली मैट्रिक्स में विल राइट
loss, actually accuracy, sorry, and that's it. आपने मॉडल फॉर्म किया और आपने उसके बाद मॉडल डॉट फिट को कॉल कर दिया और बैच साइज आप स्पेसिफाई कर दो, लेट्स से 32 का ही बैच साइज डाल दिया. आपने अपना एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास कर दिया, बैच साइज दे दिया. बैच साइज के बाद आपने ईपॉक्स दे दिए, लेट्स से आपने फिलहाल सिर्फ 10 ईपॉक्स दिए, ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस. इसको आपने रन कर दिया, हो गया आपका मॉडल ट्रेन और ये देखो अराउंड 78% का आपका एक्यूरेसी आ रहा है. आप चाहो तो यहाँ पे अपना वैलिडेशन डेटा पास कर सकते हो, सो यू कैन राइट वैलिडेशन डेटा एंड यू कैन पास योर एक्स टेस्ट एज वेल एज योर वाई टेस्ट. और इस वाले को ऊपर से मैं फिर से चला रहा हूँ और ईपॉक इस बार मैं 100 कर दे रहा हूँ जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है, ठीक है, और इसको रन कर दिया. सो डेटा छोटा है तो जल्दी से रिजल्ट आ गया और ये देखो गाइस आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी दैट यू आर एबल टू रीच इज 81%, ठीक है. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. अब ये पूरा चीज मैंने सिर्फ इसलिए किया सो दैट आप एक बार समझो कि आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज कि जैसे आप इस पार्ट में आते हो तो यू आर लाइक क्लूलेस. सोच के देखो, मतलब यहाँ पे आप जैसे आते हो आपको डिसाइड करना है खुद से कि मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स कितने होंगे, ये आपको डिसाइड करना है. सेकंड आपको डिसाइड करना है कि हर लेयर में ये नोड्स कितने होंगे और ये बहुत ट्रायल एंड एरर टाइप का, राइट. तो अभी तक हम क्या करते हैं, हम अपने इंट्यूशन से सारा काम कर रहे हैं, राइट. बट इसको आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो इस प्रोसेस को. नॉट ओनली दिस, आप कोई भी चीज को ऑटोमेट कर सकते हो. आप यहाँ पे एक्टिवेशन में कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजर में कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे लॉस में कुछ भी डाल सकते हो. आप इस पूरी चीज को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग दिस लाइब्रेरी कॉल्ड केरास ट्यूनर. वही हम लोग अभी सीखेंगे गाइस. हम लोग अभी क्या सीखेंगे, हाउ टू लाइक ऑटोमेट सो दैट वी कैन फाइंड आउट द बेस्ट सूटेबल पैरामीटर फॉर आवर मॉडल, ठीक है. तो मेरा अप्रोच कैसा रहेगा ध्यान से देखना. पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है. तो पहले आई विल शो यू हाउ टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइजर. फिर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा नंबर ऑफ नोड्स एज इन न्यूरॉन्स इन अ लेयर, ये मैं आपको दिखाऊंगा. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, ये मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है. उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, हम फाइनली एक ऑल इन वन मॉडल बनाएंगे जिसमें हम सारी चीजों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. ऑल इन वन मॉडल हम बनाएंगे, दिस इज वॉट वी विल डू, ओके. So one by one we'll approach this problem. So first of all, let's write a code जो given optimizers में से best optimizer निकाल के हमें देगा, ठीक है. ये हम लोग करने वाले हैं. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले we have to import this library called Keras Tuner. Import Keras Tuner as KT. ये आपको code लिखना पड़ेगा. अब देखना पड़ेगा installed है या नहीं. Keras Tuner एक साथ है शायद, आई गेस ऐसे है Keras Tuner. मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइस. यहाँ पे यू वुड राइट इंपोर्ट Keras Tuner एज KT. या दिस इज द कोड. अब देखो गाइस ये Keras Tuner कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ. आपको पहले क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन बनाना पड़ता है और फिर आप क्या करते हो, एक ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ट्यूनर ऑब्जेक्ट में उस फंक्शन को पास करते हो. एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ऑप्टिमाइजर के ऊपर करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी चीजों के ऊपर करके दिखाऊंगा, ठीक है. सो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा शुरू में, बट दो तीन बार करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे और मेरे को पक्का पता है कि आप लोग जब फ्यूचर में काम करोगे तो आप ये लाइब्रेरी बहुत यूज करने वाले हो, ठीक है. तो एक बार देखो कैसे करना है पूरी चीज को.
सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाओगे डेफ, जनरली इस फंक्शन का नाम होता है बिल्ड मॉडल। इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लोग जनरली बिल्ड मॉडल बोल के ही एक फंक्शन बनाता है, ठीक है। और ये लोग एक ऑब्जेक्ट मिलता है एच पी बोल के, ठीक है। इस एच पी का मतलब है हाइपर पैरामीटर, इन लोगों ने यहाँ पे भी जैसे दे रखा है, ये एच पी जो है इसको ये लोग हाइपर पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये हाइपर पैरामीटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एच पी नाम है इसका, और ये आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है यहाँ पे, ओके। और अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस जगह पे आप अपना मॉडल बिल्ड करोगे फिर से, ठीक है, स्क्रैच से। सो आप लिखोगे मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, ठीक है, ये आपने बिल्ड किया। उसके बाद आप लिख रहे हो मॉडल डॉट एड, और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो अपना एक डेंस लेयर। अभी सिंस हमारे फोकस इज नॉट अबाउट सेलेक्टिंग न्यूरॉन्स और डेंस लेयर नंबर ऑफ लेयर्स, अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हमारा कंसर्न है सिर्फ ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ 32 का लेयर है, एक्टिवेशन इज रेलू, और इनपुट अपना जो डिमेंशन है दैट इज 8, ठीक है। ये मेरा पहला लेयर हो गया मॉडल डॉट एड, ये मेरा दूसरा लेयर हो गया जो सिर्फ एक न्यूरॉन वाला है, और इसका जो एक्टिवेशन है दैट इज सिग्मोइड, सिग्मोइड, ठीक, सिग्मोइड, ओके। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो मॉडल डॉट कंपाइल, ओके। कंपाइल में आप क्या क्या पास करते हो, आप सबसे पहले पास करते हो आपका ऑप्टिमाइजर, ठीक है। अब यहाँ ऑप्टिमाइजर में आप क्या करते हो, जनरली आप एडम पास कर देते हो, बट अब मैं क्या करूंगा, मैं तीन ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आरएमएस प्रॉप है, सो मैं क्या करूंगा, मैं तीन ऑप्टिमाइजर्स के बीच में सेलेक्ट करूंगा, या फिर आप और ज्यादा के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे अगर आप केरास में सर्च करो केरास ऑप्टिमाइजर्स, तो आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से ऑप्टिमाइजर्स हैं, बहुत सारे हैं, एडा ग्रैड है, एडम है, एसजीडी है, एडा डेल्टा है, ये बहुत सारे हैं। आप चाहो तो चार पांच कोई भी उठा लो और आप सबके ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा लिस्ट होना चाहिए कहीं पे, हाँ। सो दीज आर द ऑप्टिमाइजर्स, ओके। सो हम इनमें से तीन चार उठा रहे हैं, एसजीडी उठा रहे हैं, आरएमएस प्रॉप उठा रहे हैं, एडम उठा रहे हैं, एडा डेल्टा उठा रहे हैं, और एक और कोई उठा रहे हैं, ये एडम उठा रहे हैं, एन एडम उठा रहे हैं, ठीक है। सो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये चीज, हम लिखेंगे एच पी जो हमको ऑब्जेक्ट मिला है डॉट चॉइस बोल के एक फंक्शन होता है, और यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग पास करते हो, इसको बोलोगे कुछ भी आप बोल सकते हो, ये बेसिकली एक नाम है ऑप्टिमाइजर। और यहाँ पे आप क्या करते हो, आप इसको वैल्यूज देते हो, ठीक है, और आप वैल्यूज में एक लिस्ट के अंदर पास कर रहे हो सारा का सारा जो भी आपके पास अवेलेबल वैल्यूज है। सो आप पास करोगे एडम, आप पास करोगे एसजीडी, आप पास करोगे आरएमएस प्रॉप, और आप पास करोगे एडा डेल्टा या जो भी था, ठीक है, एडा डेल्टा लेट्स से, ठीक है। This is the syntax. So, आपने अपने कोड को क्या बोला कि जब वो मॉडल बिल्ड करेगा, अब वो चार अलग अलग मॉडल्स बिल्ड करेगा हर बार, लाइक अलग अलग ऑप्टिमाइजर के साथ, एक बार ऑप्टिमाइजर एडम होगा, एक बार एसजीडी होगा, एक बार आरएमएस प्रॉप होगा, एक बार एडा डेल्टा होगा, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इस लाइन में लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये पूरा कोड कट कर लो और उसको यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ऑप्टिमाइजर बोल के आप एक वेरिएबल बना लो लाइक दिस और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजर इक्वल टू ऑप्टिमाइजर सेट कर दो लाइक दिस, ठीक है। ये भी किया जा सकता है थोड़ा सा क्लीनर कोड के लिए। सेकेंड, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आप पास करोगे लॉस, लॉस जो आपका होगा वो होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी मैट्रिक्स इक्वल्स, वही है एक्यूरेसी रखते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद आप इस मेथड में रिटर्न कर दोगे जो भी आपका मॉडल है। ये हुआ मॉडल बिल्डिंग, जैसा बिल्कुल इन लोगों ने किया है, बिल्कुल सेम, मैं इनका डॉक्यूमेंटेशन से ही सारा चीज़ उठा रहा हूँ। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे ये लोग एच पी डॉट चॉइस ऐसे सेट करता है, यहाँ पे आपको वैल्यूज पास करना चाहिए कि नहीं, ठीक है गाइज एक काम कर लो, एरर ना थ्रो हो, इसलिए ये जो लिस्ट है इसका एक्चुअली नाम इस फंक्शन के अंदर, लाइक इसका फुटप्रिंट इज वैल्यूज, तो वैल्यूज बोल के यहाँ पे नाम दे दो, ठीक है। और ये मैं फिर से रन कर दे रहा हूँ, ओके। अब देखो गाइज, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाना है। सो ट्यूनर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, देखो एक बार आप लिखोगे ट्यूनर इज इक्वल टू के टी डॉट रैंडम सर्च, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है,
रैंडम सर्च, और ये थोड़ा ग्रिड सर्च सीवी की तरह काम करता है, जो आपने मशीन लर्निंग में अगर पढ़ा होगा, ग्रिड सर्च सीवी काइंड ऑफ उसकी तरह ही काम करता है। और यहाँ पे आप सबसे जो पहला पैरामीटर देते हो वो होता है आपका फंक्शन का नाम जो आपने बनाया। सो आपका फंक्शन का नाम है बिल्ड अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। उसके बाद आप पास करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप किस चीज को रिड्यूस करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली वो निकाल लेता है। ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमको वैलिडेशन एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक है। और थर्ड चीज जो आप पास करते हो वो है मैक्स ट्रायल्स, मतलब आप कितनी बार ये चीज करोगे, लाइक ये मॉडल्स के ऊपर आप कितनी बार घूमोगे, ठीक है। सो मैक्स ट्रायल्स अभी लेट से हमने कर दिया 5 बार, 5 भी शायद ज्यादा ही है, बट ठीक है चलो अभी 5 कर दिया। सो ये हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ट्यूनर ऑब्जेक्ट, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, रैंडम सर्च क्लास का, और इसको ये इनपुट एज कंस्ट्रक्टर हम पास कर रहे हैं, और ये अब रन कर दो गाइस, ठीक है। ये अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ट्यूनर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स, दीज आर द फीचर्स, ओके। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज सर्च वाला फीचर, जो बेसिकली सर्च करेगा आपके सही वाले हाइपर पैरामीटर्स को, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2-3 चीजें पास करनी होती है। आपको सबसे पहले पास करना होता है आपका एक्स ट्रेन, जैसे नॉर्मल आप ट्रेन करते हो वैसा ही है ये। फिर आप पास करते हो अपना वाई ट्रेन, और फिर आप लिखते हो अपना ईपॉक्स, लेट्स से ईपॉक्स हम अभी ले रहे हैं 10। एक्चुअली यहाँ पे 10 का जरूरत नहीं है, ये बहुत कम में भी पता कर लेता है, यहाँ पे 5 भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली अपना सही मॉडल निकालना है। मॉडल एक बार निकल जाएगा तो उसके बाद आप अपना ज्यादा ईपॉक्स में घुमा करके फ्यूचर में आप अपना मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, बट इस पॉइंट पे 5 इज सफिशियंट, ओके। इतना कर लिया, और इसके बाद आई गेस देयर इज वन मोर पैरामीटर, एंड व्हाट इज दैट पैरामीटर, मैं भूल रहा हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, आपको अपना वैलिडेशन डेटा पास करना पड़ता है। सो आप अपना क्या करते हो, वैलिडेशन डेटा पास करते हो, जैसे आप वहां पे भी करते थे फिट में, और यहाँ पे आप एक टपल में यू वुड पास एक्स टेस्ट एज वेल एज योर वाई टेस्ट, एंड दैट्स द कोड गाइस, दिस इज द कोड, बस आपको इतना कोड लिखना है, ये 3 स्टेप का काम है। अब आप इसको जैसे ही रन करोगे आपका मॉडल सर्च करने लग जाएगा, ये देखो सर्च करने लगा, देखो वहां पे लिखा रहा है ट्रायल कंप्लीट, ट्रायल कंप्लीट, और ये भी होगा, और इज इट डन, एक बार देखते हैं क्या क्या आया। सो अगर आप यहां पे आओ तो ये पहला ट्रायल कंप्लीट हुआ, और ट्रायल आईडी है एक, स्कोर आया 0.53 एज इन एक्यूरेसी, हाइपर पैरामीटर हमने यूज किया था एडा डेल्टा, सो एडा डेल्टा के साथ आपका एक्यूरेसी आया 0.53, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये जो अपना आया है ये है एडम के साथ, एडम इज गिविंग यू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.75, और उसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये रहा एसजीडी, और एसजीडी से आपका एक्यूरेसी आ रहा है 0.74, ठीक है। समहाउ अच्छा नहीं किया है उसने, आरएमएस प्रॉप पे भी किया है, और आरएमएस प्रॉप आपका बेस्ट दे रहा है, 0.79 दे रहा है, ठीक है। सो आपने जो चारों चीजें की थी उसमें उसने क्या किया, आपका चारों बार उस मॉडल को अलग अलग बिल्ड करके एक्यूरेसीज निकाली, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म किया, ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट आप चाहो तो फेच करवा सकते हो बाय राइटिंग दिस पीस ऑफ कोड। आप ये लिखोगे, मैं एक बार नीचे जाता हूं, सो यहां पे आप जाके लिखते हो ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, जैसे आप इसको रन करोगे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट से क्या करते हो, आप जीरोथ वैल्यू को निकालते हो, ये कोड मेरे को इंटरनेट पे मिला था, और उस जीरोथ वैल्यू का आप जैसे ही वैल्यूज निकालते हो आपको आपका बेस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और ये रहा आपका बेस्ट ऑप्टिमाइजर, दैट इज आरएमएस प्रॉप, ठीक है। और अब आप चाहो तो आप दोबारा से आपको मॉडल ट्रेन करने का जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो यहीं से अपना मॉडल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय राइटिंग दिस कोड। यू कैन राइट मॉडल इज इक्वल टू ट्यूनर डॉट सर्च बेस्ट पैरामीटर, या एक्चुअली होता है ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, आप नम मॉडल्स इक्वल टू 1 कर दोगे, बिकॉज आपको क्या चाहिए, टॉप
पहला मॉडल। सो आप यहाँ पे लिखोगे नम मॉडल्स इक्वल टू वन, क्योंकि वहां पे चार मॉडल्स हैं, आपको बेस्ट वाला चाहिए और आप यहाँ पे इसके बाद जीरो लगाते हो। अगेन इनका कुछ कंफ्यूजिंग सा सिंटेक्स है, बट आप जैसे इसको रन करोगे अब आपके पास एक मॉडल आ गया। आप इसका समरी अगर निकालो तो यू वुड सी कि ये अपना ट्रेंड है ऑन टॉप ऑफ दिस आरएमएस प्रॉप, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा। और अब क्या कर सकते हो, आप मॉडल डॉट फिट दोबारा कर सकते हो और यहाँ पे आप फिर से पास कर दो अपना एक्स ट्रेन, फिर आप पास कर दो अपना वाई ट्रेन, फिर आप पास कर दो अपना ये बैच साइज 32, फिर आप पास कर दो अपना ईपॉक्स, ईपॉक्स आप दे दो लेट्स से 100। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपना इनिशियल ईपॉक सेट करोगे, इनिशियल ईपॉक आप 6। उसका रीजन ये है कि ये मॉडल ऑलरेडी लाइक 5 ईपॉक्स रन कर चुका है। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो 5 ईपॉक्स वो रन कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन रिटेन करते हुए उसके आगे से कंटिन्यू हो अप टू 100, ठीक है। और अब आप इसको यहाँ पे फिर से हम क्या पास कर देते हैं, अपना वैलिडेशन डेटा, और वैलिडेशन डेटा में वी विल पास आर एक्स टेस्ट एज वेल एज आर वाई टेस्ट, ओके। और इसको आप जैसे ही आप रन करोगे गाइस, अब ये मॉडल 6 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और 100 तक जाएगा, ओके, ये रहा। और नाउ योर एक्यूरेसी इज समवेयर अराउंड 82% आरएमएस प्रॉप यूज करने से। ऊपर हमने एडम यूज किया था तो 79 समथिंग आ रहा था, और अब आपका देखो 82 के आसपास पहुंच गया, बिकॉज आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया ऑन टॉप ऑफ ऑप्टिमाइजर, ठीक है। और अब हम निकालेंगे ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए एक पर्टिकुलर लेयर में, ये निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट, ओके। सो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे जैसे आप नोटिस करना कि जब हम ये मॉडल बिल्ड कर रहे थे तो हमने यहाँ पे 32 का नंबर आर्बिट्रेली ले लिया था कि 32 ले लेते हैं, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लगाएंगे और हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से पता करेंगे कि व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस लेयर, हम ये निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस लेयर, ये हम लोग को नेक्स्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे सब कुछ रिपीट होगा तो आपके दिमाग में थोड़ा और क्लियरर पिक्चर आएगा। सो यू वुड राइट, फिर से एक फंक्शन बना रहे हैं, बिल्ड अंडरस्कोर मॉडल, और फिर से हमें हाइपर पैरामीटर का ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आई एम राइटिंग मॉडल डॉट सॉरी मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग यूनिट्स इज इक्वल टू, जैसे एन पी डॉट चॉइस होता है वैसे एन पी डॉट इंटीजर होता है, सॉरी एन पी नहीं एच पी डॉट, जैसे चॉइस होता है वैसे ही एच पी डॉट इंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, आप तीन चीज़ें पास करते हो, आप एक इनिशियल नंबर देते हो, आप एक लास्ट नंबर देते हो, लाइक एक लोअर लिमिट देते हो, एक अपर लिमिट देते हो, और उसके बाद आप एक स्टेप साइज देते हो, ठीक है, स्टेप साइज, लेट्स से मैंने 8 का स्टेप साइज दे दिया। सो अब ये क्या करेगा, ये मल्टीपल मॉडल्स बिल्ड करेगा, जब ये पहला मॉडल बिल्ड करेगा तो उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 8 लेगा, फिर जब ये नेक्स्ट वाला न्यूरॉन जब नेक्स्ट वाला मॉडल बिल्ड करेगा उसमें क्या करेगा, ये उसमें 16 लेगा, फिर 24 लेगा, फिर 32 लेगा, 40 लेगा, ऐसे करते करते 128 तक जाएगा, और जिसमें भी बेस्ट रिजल्ट आएगा वो मुझे निकाल करके देगा, ठीक है। आई गेस गाइज ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो मॉडल डॉट एड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेंस, और डेंस में आई एम पासिंग यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स, ठीक है। बस जनरली हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते थे 32 लिख देते थे, बट हम यहाँ पे आप यूनिट्स का वैल्यू पास कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्टिवेशन क्या है अपना, सो एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेल्यू ले लेते हैं अभी, और उसके बाद विल पास द इनपुट डिमेंशन इज इक्वल टू 8, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडल डॉट ऐड करके लास्ट वाला लेयर ऐड करते हैं डेंस, और यहाँ पे विल पास 1, एक्टिवेशन इक्वल्स सिग्मॉइड, सब कुछ सेम है, ठीक है। और इतना करने के बाद आप मॉडल को कंपाइल कर लोगे, और मॉडल कंपाइल करने के टाइम आप क्या करोगे, आप बताओगे आपका ऑप्टिमाइजर, आपको पता है ऑलरेडी कि इट शुड बी आरएमएस प्रॉप,
उसके बाद आप क्या करोगे, आप पास करोगे अपना लॉस मेट्रिक, दैट शुड बी बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, राइट। और उसके बाद फाइनली आप क्या पास करोगे, अपना मेट्रिक्स, और दिस वुड बी अ लिस्ट ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, सब कुछ सेम है और बस एक ही चीज़ हमने चेंज कर दिया, हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं हमारा जो भी मॉडल है, दैट इज मॉडल। ठीक है, सो ये बन गया गाइज अपना फंक्शन। अब हम बनाएंगे अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट जैसे हमने लास्ट बनाया था। ठीक है, सो ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ट्यूनर इज इक्वल टू के टी एज इन केरास ट्यूनर डॉट रैंडम सर्च। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सबसे पहले हम अपना मेथड का नाम पास कर रहे हैं बिल्ट मॉडल, उसके बाद हम पास कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज अपना वैल एक्यूरेसी, और लास्टली आपका मैक्स ट्रायल्स कितना रहेगा, दिस वुड बी लेट्स से 5। ओके, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया ट्यूनर वाला। टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड मॉडल, क्या हो गया ये? ओ हाँ, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे आपको हमेशा, जैसे आपने चॉइसेस में एक नाम दिया था, यहाँ पे देखना, जैसे आपने चॉइसेस में यहाँ पर एक नाम दिया था, वैसे आपको इंट वाले में भी एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, चॉइस में आपने एक नाम दिया था, एक स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पे भी आपको एक नाम देना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे पहला चीज़ में, यू वुड राइट लेट्स कॉल इट यूनिट्स, कुछ भी रख सकते हो, मैंने यूनिट्स रख दिया। अब आई गेस ये बन जाना चाहिए। हाँ, बन गया बन गया। ओके, सो नाउ यू वुड राइट ट्यूनर डॉट सर्च, और सर्च में यू वुड पास आपका एक्स ट्रेन, आपका वाई ट्रेन, आपका ईपॉक्स, लेट्स से 5 ईपॉक्स, और आपका वैलिडेशन डेटा विच इज इक्वल टू एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। ठीक है, आई गेस यही था, और तो कुछ नहीं था पैरामीटर ऊपर। जस्ट वन सेकेंड, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो वी हैव, हाँ यही 5 चीज़ें थी। ठीक है गाइस, और अब हम फिर से ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को। सो जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब क्या हुआ, ये टेंसर फ्लो ओरेकल ट्रिगर्ड एग्जिट। सो गाइज होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको एक्चुअली इस पॉइंट पे नहीं बताना चाह रहा था, फालतू का कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसलिए। सो होता क्या है कि जब आपका ये ट्यूनर ऑब्जेक्ट पूरा ट्रेन हो जाता है ना, तो ये एक जेसॉन फाइल बनता है। ठीक है, और वो जेसॉन फाइल एक फोल्डर में स्टोर होता है इस जगह पे, यहाँ पर एक फोल्डर में स्टोर होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको रख सकते हो, चाहो तो नहीं रखो। अगर आप रखोगे तो वो बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू देम, आप फ्यूचर में उसको निकाल करके प्रॉपरली पिकल में डाल करके एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर लेट्स ऐड डायरेक्टली वाला पैरामीटर, डायरेक्टरी इज इक्वल टू लेट्स से सम डायरेक्टरी, या यहाँ पे लिख देते हैं माई डी आई आर। ठीक है, फिर से ट्रेन कर रहा हूँ मैं सब कुछ, बस मैंने डायरेक्टरी प्रोवाइड कर दिया। मॉडल मैंने फिर से बिल्ड किया, और उसके बाद इसको रन किया, और उसके बाद यहाँ पे शायद बन गया होगा डायरेक्टरी एक। हाँ ये देखो, ये माई डायरेक्टरी बन गया, और यहीं पे गाइज आपका सारा का सारा माई डायरेक्टरी अंडर प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया होता, लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट भी दिया होता, लेट्स से अगर मैंने ले दिया प्रोजेक्ट इज इक्वल टू लेट्स से सलमान खान दे दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। सो मैं एक बार फिर से इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ, और एक बार ये ऑब्जेक्ट मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा, यू वुड सी कि माई डायरेक्टरी के अंदर एक वो बन जाएगा, प्रोजेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट नेम। सो आई वुड राइट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब जैसे इसको आप रन करोगे, यू वुड सी वहां पर ये सलमान खान बोल के बन गया, और जितना भी ट्यूनर रिलेटेड जितना भी चीज होगा वो इसी डायरेक्टरी के अंदर आएगा। ठीक है, सो इसीलिए शायद एरर कर रहा था। अब नीचे जाते हैं, ये हो गया, और इस जगह पे आके अब हम इसको रन करते हैं।
ईपॉक नहीं होगा, ईपॉक्स होगा, सो यहाँ पे एस लगेगा और अब रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रेन हो रहा है गाइस, देख रहे हो एक एक करके आपका यूनिट्स बढ़ रहे हैं और हो गया पूरा का पूरा। सो यहाँ पे देखो अगर आप ऊपर आओ तो यू वुड सी कि इट स्टार्टेड विथ 8 से स्टार्ट होगा शायद, और भी ऊपर जाना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 24 यूनिट से क्यों स्टार्ट हुआ जब मैंने 8 से दिया तो? 24 यूनिट्स पे एक्यूरेसी आ रहा है 0.76, उसके बाद सीधे 72 हो गया। इस रेंज में रैंडमली वैल्यूज ले रहा है, एक्चुअली दिस इज रैंडम सर्च, तो इट्स टेकिंग रैंडम वैल्यूज, और 120 में इट्स गेटिंग अराउंड 0.80। और एक बार थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा, 112 में इट्स टेकिंग अगेन 0.80। सो अगर हम नीचे जाएं 128 में इट्स टेकिंग 0.80। सो हम एक काम करते हैं, फिर से ये कोड लिखते हैं। सो इफ यू रिमेम्बर द कोड वॉज, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आपका बेस्ट जो आउटपुट है वो कौन सा है। तो यू वुड राइट ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, और इसका जीरोथ एलिमेंट डॉट वैल्यूज, और ये रहा आपका बेस्ट हाइपर पैरामीटर। 120 आपको बेस्ट परफॉर्म करके दे रहा है इस डेटा पे आपने जो भी चीजें दी। अब आप चाहो तो पता है क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ये कर सकते हो कि बाय द वे यहाँ पे देख लो गाइज, यहाँ पे चीजें स्टोर हो गई, यहाँ के ये सलमान खान वाले को अगर आप कोलैप्स करो तो ये सारी फाइल्स बन गई है, देखो ट्यूनर 0.json बोल के, इनको जाकर के आप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे ओपन होगा क्या, दिस इज एम्प्टी एक्चुअली। ये देखो मल्टीपल ट्रायल्स, आपने 5 ट्रायल्स दिए थे तो हर ट्रायल का डेटा यहाँ पे आ गया। सो ये रहा trial1.json, ये रहा देखो दिस इज द डेटा। सो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि हाइपर पैरामीटर क्या था और आपका यूनिट्स कितने थे और फाइनली आपका एक्यूरेसी कितना आया। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ओके, इसको आप एक बार देख सकते हो। एंड सेम गोज विद अदर ट्रायल्स, लाइक ये रहा सेकेंड ट्रायल और उसके बाद थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल। ओके, सो ये पूरा चीज इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, आप इसको बाद में एनालाइज कर सकते हो। अब या मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। आप मॉडल निकाल सकते हो, आप मॉडल आप निकाल सकते हो। मॉडल एक्सट्रैक्ट करने का कोड क्या होता है, मॉडल इज इक्वल टू गेट बेस्ट मॉडल बोल के जो होता है। सो आप लिखोगे मॉडल, सॉरी आप लिखोगे मॉडल इज इक्वल टू ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स, और इसमें भी आप क्या करते हो, आप पास करते हो नम अंडरस्कोर मॉडल्स में 1 चाहिए आपको, उसका 0th आइटम उठाते हो और ये अपने पास मॉडल आ गया। और अब हम क्या करते हैं गाइस, इस मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। ठीक है, कितना ईपॉक हमने चलाया था यहाँ पे, यहाँ पे आई गेस हमने चलाया था 5 ईपॉक। सो फिर से आप क्या करोगे, आप लिखोगे मॉडल डॉट फिट। अब ये जो मॉडल जिसके ऊपर अब आप ट्रेन कर रहे हो ना, इसमें उस लेयर में 120 न्यूरॉन्स है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, फिर मैं लिखूंगा बैच साइज। बाय द वे आप ये सब बैच साइज वगैरह भी वहाँ पे लाइक हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो। ईपॉक्स चला देते हैं हम लोग 100 तक, और इनिशियल ईपॉक रख लेते हैं 6, क्योंकि 5 तक ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, सो अब आप जैसे इसको रन करोगे, हम लोग 81 के अराउंड थे और हम लोग यहाँ पे 82 के अराउंड आ गए। हमने यार वैल एक्यूरेसी नहीं दिया था, ठीक है आप चला के देख लेना, बट आई गेस यू गेट द आइडिया, राइट, यू गेट द आइडिया। सो अभी हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड आउट दिस। हाँ, सो मैं ये कह रहा था, मैं भूल गया, सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको लाइक इतने बड़े जंप्स नहीं लेने तो आप क्या कर सकते हो, ये स्टेप्स वाला पैरामीटर ही हटा दो। इन दैट केस क्या होगा कि आपका स्टेप साइज 1 का होगा, ऑल्दो वो रैंडम ले ले रहा है बट स्टेप साइज 1 का होगा। सो देखो अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, ये मॉडल अगर मैं फिर से बिल्ड करूं और यहाँ पे लेट्स से मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बना लूं, लेट्स से अब एक्टर्स के नाम के ऊपर ही जा रहे हैं एस आर के, और फिर से अगर मैं ट्रेन करूं,
तो इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस बार वो रैंडमली लाइक वो स्टेप साइज इसका वो है 1 है। एक बार फिर से कोड रन करते हैं, देखते हैं अभी भी 120 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। देखो इस बार 72 आ रहा है, और इसको अगर हम फिर से ट्रेन करें और इसको फिर से ट्रेन करें तो ये फायदा हुआ कि अपना कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुआ मॉडल का, मतलब सीधे आप 120 से 72 पे आ गए और आपका एक्यूरेसी 0.80 के अराउंड गया। पता नहीं लास्ट कितना था ऊपर विथ दैट मॉडल, 32 वाले मॉडल के साथ आई डोंट नो कितना था लास्ट, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है ओके। सो गाइस अभी तक हमने सेकंड चीज़ कर ली, मैंने यहाँ पे लिखा था हम क्या क्या करने वाले थे आज की क्लास में। पहले हम लोग ऑप्टिमाइजर निकालने वाले थे, फिर हम लोग नंबर ऑफ नोड्स इन अ लेयर निकालने वाले थे, अब हम लोग करेंगे हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ लेयर्स, लेयर्स कितने होने चाहिए ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट टारगेट है और उसके बाद हम लोग सबको साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलो गोइंग डाउन। ओके, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे अपने को लूप्स वगैरह चलाने पड़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज विल अगेन क्रिएट अ फंक्शन बिल्ट मॉडल, इसको मिलेगा हाइपर पैरामीटर, और यहाँ पे क्या होगा अगेन विल क्रिएट अ मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल बोल के क्लास। अब हम क्या चलाएंगे, यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, और यहाँ पे मैं पास करूंगा एच पी डॉट इंटीजर, और इसका नाम होगा नम लेयर्स। ठीक है, और उसके बाद में दूंगा मिन अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स 1 एंड मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 10। सो इसका मतलब जो हमना हमारे हमारे 10 मॉडल्स बनेंगे, और हमारा जो पहला मॉडल होगा उसमें एक ही लेयर होगा, हमारा दूसरे में 2 होगा, तीसरे में 3 होगा, चौथे में 4 होगा, 10वें में 10 लेयर्स होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम पूरा वो बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए मैं ऊपर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ जो हमारा पहला लेयर होगा, पहला हिडन लेयर, वहाँ पे मैं इतना इनपुट डायमेंशन बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को एक अलग कंडीशन लिखना पड़ता। सो यहाँ पे मैंने लिखा डेंस, और डेंस में मैंने लिखा अभी जस्ट निकला 72, तो 72 वहाँ पे डाल दिया मैंने, और यहाँ पे एक्टिवेशन मैंने डाल दिया रेल्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके अंदर में कितने बनाने हैं ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल राइट मॉडल डॉट एड, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेंस, और 72 का ही बना रहे हैं। ठीक है, 72 का ही बना रहे हैं, ये भी हम बाद में इसको ये कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए अंदर में, बट फॉर नाउ सभी में 72 होंगे, जितने भी लेयर्स होंगे, एक होगा, दो होगा, जितना भी आएगा उसमें हम लोग 72 न्यूरॉन्स ही रखने वाले हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद होगा अपना एक्टिवेशन एंड दिस विल बी रेल्यू, और यहाँ पे और कुछ नहीं, और अब मैं नीचे आकर के अपना लास्ट लेयर बना रहा हूँ विच इज मॉडल डॉट एड, इसमें एक न्यूरॉन होगा डेंस, इसमें एक न्यूरॉन होगा, और अपना एक्टिवेशन होगा सिग्मोइड का। ठीक है, और या दैट्स इट, और उसके बाद हम अपना मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं, मॉडल को हम कंपाइल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं मॉडल डॉट कंपाइल के बाद वी आर पासिंग आर ऑप्टिमाइजर टू बी इक्वल टू आर एम एस प्रॉप, ऑल तो देने का जरूरत नहीं है, दैट इज डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम दे रहे हैं अपना लॉस मेट्रिक टू बी इक्वल टू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और लास्टली हमारा मेट्रिक जो है उसमें हम डाल रहे हैं लॉस सॉरी एक्यूरेसी। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस हमने ये लूप चला दिया। ठीक है, और वो लूप कितनी बार चलेगा वो इस चीज के, इट्स इट्स एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिंटेक्स है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये
दो लूप्स हैं एक के अंदर एक, ठीक है। सो यहां से इनपुट मिलेगा और इस रेंज को मिलेगा और वो लूप उतनी बार घूमेगा अंदर का, ठीक है। सो जब आप पहली बार आओगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा तो ये लूप एक बार घूमेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 मिलेगा तो ये लूप दो बार घूमेगा, फिर यहाँ पे 3 मिलेगा तो ये लूप 3 बार घूमेगा, इस तरीके से लाइक मल्टीपल लूप्स हैं एक तरीके से, ठीक है। और इतना करके गाइज आप रिटर्न कर दोगे अपने मॉडल को, ओके। और अब आप क्या करने वाले हो, अब आप लिखने वाले हो, अब अपना आप ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर से। ट्यूनर इज इक्वल टू के टी डॉट रैंडम सर्च, और यहाँ पे आप पास करोगे अपना बिल्ड मॉडल। आपका ऑब्जेक्टिव अगेन सब कुछ सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव वुड बी वैल लॉस, वैल एक्यूरेसी, और उसके बाद थर्ड चीज जो अपनी रहेगी दैट इज मैक्स ट्रायल्स। 5 ही कर दो या 3 कर देते हैं इस बार, कम करते हैं जल्दी होगा। और यहाँ पे डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर देते हैं, क्या नाम था इसका, माई डायरेक्टरी, माई डायरेक्टरी, और इसका प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम रख देते हैं, क्या रखे इसका नाम, नम लेयर्स, बस इतना रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं ट्यूनर डॉट सर्च, और यहाँ पे आई एम पासिंग मेरा एक्स ट्रेन, मेरा वाई ट्रेन, ईपॉक्स कितना चलेगा, 5 चलेगा, और मेरा वैलिडेशन डेटा क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ओके। लेट्स रन दिस। आई गेस हो गया, चलो देखते हैं कितने लेयर्स सही बता रहा है। तो अगर हम कॉपी कर लें वाला कोड, या दिस वन, अगर हम इसको कॉपी करें तो हमें समझ में आ जाएगा कितने लेयर्स बनाने हैं हमें। सो पेस्ट किया इसको और इसको रन किया, एंड इट सेज नंबर ऑफ लेयर्स 6 में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। और एक काम कर लेते हैं, लिखते हैं मॉडल इज इक्वल टू ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स, नम मॉडल्स 1 का 0, और यहाँ पे लिखते हैं मॉडल डॉट फिट, लेट्स पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ईपॉक्स इनिशियल ईपॉक्स 6, और अपना वैलिडेशन डेटा दैट इज एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। लेट्स रन दिस। ये हो गया अपना, और वैलिडेशन एक्यूरेसी घट ही रहा है और फायदा तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम एक और चीज चेक कर लेंगे लास्ट, दिस इज द लास्ट थिंग गाइस जो हम कर रहे हैं, कि हम लोग दोनों चीजें निकालेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स भी निकालेंगे और उसके अंदर ये नोड्स कितने होंगे हम ये भी निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें निकालेंगे, आप चाहो तो ये सब ये भी निकाल सकते हो, लाइक ये एक्टिवेशन क्या होगा ये भी निकाल सकते हो, ऑप्टिमाइजर क्या होगा ये भी निकाल सकते हो, लॉस क्या होगा ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मल्टीपल चीजें करते हैं, वन लास्ट कोड। सो आई एम राइटिंग बिल्ड अंडरस्कोर मॉडल, अगेन हमें एचपी मिल रहा है, और यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फर्स्ट डूइंग दिस मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस कोड, उसके बाद आई एम राइटिंग दिस कोड, या सो आई विल राइट फॉर आई इन रेंज ऑफ एच पी डॉट इंट, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ नम अंडरस्कोर लेयर्स, ओके। और फिर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ मिन वैल्यू इज इक्वल टू 1, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 10,
स्टेप नहीं डिफाइन कर रहा, तो एक एक का जंप लेगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा बाय द वे मुझे यहाँ पे एक और अपना मॉडल बनाना चाहिए था। इस बार एक दूसरा अप्रोच लेते हैं, दैट अप्रोच इज दिस, देखना अगर आपको समझ में आएगा तो बताना। मैं यहाँ पर एक काउंटर बोल के वेरिएबल ले रहा हूँ विच इज जीरो, और यहाँ पे आई एम चेकिंग इफ काउंटर इज इक्वल टू जीरो, देन आई एम क्रिएटिंग अ मॉडल डॉट एड, और यहाँ पे आई एम पासिंग डेंस, और डेंस के अंदर आई एम पासिंग दिस यूनिट्स, ठीक है। और ये यूनिट्स मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ इस लूप में जाने के पहले ही। सो यूनिट्स वुड बी इक्वल टू एनपी डॉट इंटीजर, एचपी डॉट सॉरी सॉरी सॉरी, आदत हो गई एनपी की, एचपी की, सॉरी, एचपी डॉट इंटीजर, और यहाँ पे आएगा अपना नाम क्या होगा। ओ बट नाम क्या, इसका नाम का क्या प्रॉब्लम है ना कि आपके हर लेयर में जितनी बार भी बनेगा नाम चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम आपको कैसे लिखना पड़ता है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है एक्चुअली, कि आप क्या करते हो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर देते हो, तो बेसिकली आप कुछ ऐसा लिखते हो, आई शो यू। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते ये चीज, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप लिखोगे एच पी डॉट इंट, और यहाँ पे आप लिखोगे अब सबसे पहले तो नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट्स प्लस स्ट्रिंग ऑफ आई। सो बेसिकली मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, जितनी बार लूप चल रहा है उसके आगे ऐड होता जा रहा है यूनिट में, ठीक है। और इसके बाद आई विल पुट अ कॉमा, आई वुड राइट मिन अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 8 से ही स्टार्ट करते हैं, और फिर हम लिखते हैं मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, और इसको 128 तक लेके जाते हैं, और स्टेप लेते हैं 8 का, ठीक है। सो हर लेयर जो ऐड होगा यहाँ पे उसमें हम इतने का चेक करेंगे, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, अभी तक आप ये कर चुके हो। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इस जगह पे आई वुड राइट एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन भी अगर आप चाहो ना तो आप ऐड कर सकते हो चीजों को। मैं काम करता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं, ओके, एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक्टिवेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे आते हैं ऐसे करके, या समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग कोड। सो एक्टिवेशन को भी मैंने क्या किया, हमारे पास जितना एक्टिवेशन हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सो आई चेक फॉर एक्टिवेशन में एनपी डॉट एच पी डॉट चॉइस, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे एक्टिवेशन का, क्योंकि ये सिंगल ही बनेगा। नहीं, यहाँ पे भी आपको एक्टिवेशन के साथ प्लस एस टी आर आई देना पड़ेगा, जितनी भी चीजें लूप में होंगी उसको आप यूनिक नाम दोगे, और यहाँ पे आप वैल्यूज दोगे, और वैल्यूज में आप पास कर दोगे अपने जो भी ऑप्शन है। सो आप पास कर दोगे रेल्यू, आप पास कर दोगे टैन एच, आप पास कर दोगे सिग्मोइड, भी पास कर सकते हो, नेवर नो, ठीक है। और भी एक दो होते हैं, एक एलयू होता है, ईएलयू होता है, ओके एंड या एक्टिवेशन हो गया। और एक्टिवेशन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू, एक्चुअली इस बार मैं फर्स्ट लेयर में भी चेक करना चाहता हूँ कितने न्यूरॉन्स होंगे, तो यहाँ पे इनपुट डायमेंशन मैंने 8 दे दिया, ठीक है। दिस इज इफ काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एल्स अगर काउंटर 0 नहीं है तो ये फर्स्ट लेयर नहीं बनेगा, फिर ये सेकेंड एंड थर्ड और सबसिक्वेंट लेयर बनेगा, तो ये सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे आप क्या करोगे इनपुट डायमेंशन नहीं दोगे अगर दिस इज नॉट काउंटर, ओके। और इस जगह पे आके आप क्या कर रहे हो, आप बाहर निकल करके लूप के अंदर ही, आई गेस हाँ लूप के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हो। इफ एल्स लूप के अंदर ही यू आर राइटिंग काउंटर प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, लूप से बाहर आ रहे हो, आपके लेयर्स हो गए, अंदर वाले सारे लेयर्स हो गए, लूप के बाहर आए, पूरा खो गया ये कोड, लूप के बाहर आए और वहाँ पे आप अपना लास्ट वाला लेयर पास कर रहे हो, और लास्ट वाला लेयर इज मॉडल डॉट एड
डेंस, और डेंस में आप पास कर रहे हो एक न्यूरॉन, और आपका जो एक्टिवेशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस सिग्मोइड, ओके। और फिर आप इसके नीचे आ रहे हो और आप मॉडल को कंपाइल कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जो अपना ऑप्टिमाइजर है दैट इज बेस्ट, इज बेस्ट इज आई गेस आर एम एस प्रॉप, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप फिर से रन कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एन पी एच पी डॉट चॉइस, एच पी डॉट चॉइस, और यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हो ऑप्टिमाइजर, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यूज इज इक्वल टू, और सारे ऑप्टिमाइजर्स आप पास कर दो आर एम एस प्रॉप। सिंस आप आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हो तो यू नेवर नो कि आर एम एस बेटर परफॉर्म करे या एडम बेटर परफॉर्म करे या एस जी डी या फिर कोई भी और, एस जी डी या फिर एन एडम या फिर एडा डेल्टा, ठीक है। सो मैंने सारे लिख दिए, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टिमाइजर हो गया, ऑप्टिमाइजर के बाद विल पास द लॉस विच इज, यहाँ पे भी आप अलग अलग लॉस ट्राई कर सकते हो बट आपको ऑलरेडी पता है दिस इज लाइक रिसर्च वाइज प्रूवन कि क्या करना है, क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, एंड लास्टली यू विल पास दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी, ठीक है। और ये सब करने के बाद आप रिटर्न कर दोगे अपने मॉडल को। सो दिस इज द जायंट फंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और इसको हम लोग रन कर दिए गाइस, आई होप ये काम करे सही से, इनवैलिड सिंटैक्स एल्स में, ठीक है चलो हो गया, आप समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। ये एल्स मैंने इंडेंटेशन लिया ही नहीं था, ओ भाई साहब तो सारा ही गड़बड़ हो गया, दिस शुड ऑल्सो बी हेयर। एक काम करो मैं सबको जल्दी से ठीक कर ले रहा हूँ, सो या दिस मच, और दिस एंटायर थिंग शुड बी आउट ऑफ लूप, ठीक है अभी सही है ना, आई गेस सही है अभी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ एक बार रन करते हैं, हो गया रन, ठीक है। चलो गाइस अब जल्दी से वो ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ट्यूनर इज इक्वल टू अपना था के टी डॉट रैंडम सर्च बिल्ड बिल्ड मॉडल, देन वी विल पास आर ऑब्जेक्टिव विच इज val accuracy, then we'll pass max trials to be equal to 3, then we'll pass our directory to be equal to my dir, and finally we'll pass project underscore name is equal to final, ठीक है। हाँ ये रहा अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट, हो गई ना गड़बड़, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू मिस कर रहा है कहीं पे, इंट में मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू तो दिया मैंने, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू दिया, ओहो हो ये किया ना, ये सब अंदर रहेगा ना इसके यार, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, दिस शुड बी हेयर, ये सब अंदर रहेगा। अब रन करते हैं एक बार, और अब एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी हो गया। तो चलो फिर अब इसको ट्रेन करने के लिए वी वुड राइट ट्यूनर डॉट सर्च, सर्च में विल पास आर एक्स ट्रेन, आर वाई ट्रेन, आर ईपॉक्स टू बी इक्वल टू 5, एंड फाइनली विल पास आर वैलिडेशन डेटा to be equal to x test comma y test, और आई गेस सब कुछ सही है, लेट्स रन इट। कर भी दिया ट्यूनर डॉट
गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स का जीरो डॉट वैल्यूज, लेट्स रन इट। हाँ सो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ लेयर 7 होने चाहिए, फर्स्ट लेयर में रेल्यू डालो, सेकंड में रेल्यू डालो, फिर रेल्यू डालो, फोर्थ लेयर में टैनेज बोल रहा है, सिक्स लेयर में टैनेज बोल रहा है, ऑप्टिमाइजर ये बोल रहा है और नंबर ऑफ यूनिट्स ये बोल रहा है गाइस, राइट। अब एक काम करते हैं, मॉडल निकालते हैं इससे। सो वी वुड राइट मॉडल इज इक्वल टू, वी वुड राइट ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स, लेट्स फेच num models equal to 1 का 0। और अब गाइस को मस्त चलाते हैं, x train y train, batch size भी निकालना चाहिए था पता अपने को, पर ठीक है चलो batch size अभी नहीं किया, batch size let's say 32 ही कर लेते हैं, या batch size डिफॉल्ट लेने देते हैं उसको, देखते हैं क्या होता है। ईपॉक सेट करते हैं 200 और इनिशियल ईपॉक सेट करते हैं 6 और वैलिडेशन डेटा देते हैं अपना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है ये वाला नेटवर्क, लेट्स रन इट। 6 देने से 7 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें 5 ही देना चाहिए था वहां पे, एक स्किप हो जा रहा है। सो हमारा वैलिडेशन लॉ एक्यूरेसी इज 76 ही पहुंच रहा है, ओवरफिट कर रहा है, बहुत गंदा है, बहुत पहले ही आ गया अपना इसके, तो ठीक है हम इसके ऊपर फिर ड्रॉपआउट्स वगैरह ट्राई करेंगे। मतलब नेक्स्ट आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, ड्रॉपआउट लेयर इंड्यूस करके वो भी आपको दिखाया जा सकता है। चलो एक लास्ट चीज करते हैं गाइस, एक लास्ट चीज करते हैं इसमें, लेट मी ऐड ड्रॉप आउट्स, ओके लेट मी ऐड ड्रॉप आउट्स। सो व्हाट आई विल डू इज, इस जगह पे मैं आऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंपोर्ट ड्रॉप आउट्स एज वेल, कहाँ गया वो इंपोर्ट सारा, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे ड्रॉप आउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ड्रॉप आउट को भी करते हैं। सो नीचे आ रहा हूँ मैं जहाँ पे हमने बनाया ये फंक्शन अपना फॉर इफ एल्स वाला, वहाँ पे आते हैं और इस जगह पे लेट्स ऐड ड्रॉप आउट भी, ठीक है। सो इधर आए, बहुत ज़्यादा इस तरफ जाना है, देखते हैं ड्रॉप आउट से फ़र्क पड़ता है कि नहीं। यहाँ आए और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मॉडल डॉट, सॉरी मॉडल डॉट ऐड, लेट्स राइट ड्रॉप आउट, और यहाँ पे हमें पास करना है गाइज एक नंबर पास करना है, राइट 0.1 0.2 करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एच पी डॉट चॉइस, इसका नाम रख देंगे ड्रॉप आउट प्लस एस टी आर ऑफ आई, और बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पास करेंगे, और वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी अपनी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 नहीं दे रहा, नहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा, 0.9, और इसी को मैंने कॉपी किया। सो या गाइज ये मैंने चेंज किया, मैंने अब हर लेयर के बाद एक ड्रॉप आउट ऐड किया, ठीक है, हर लेयर के बाद एक ड्रॉप आउट ऐड किया है, और इसको रन कर लिया, रन हो गया ये, यहाँ पे आए और इसको फिर से इसका नाम फाइनल 1 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, रन हो गया। अब एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर हम ट्रेन कर रहे हैं, लेट्स रन दिस, हो रहा है, हो रहा है, चलो बढ़िया है, हो गया, लेट्स सी क्या बोलता है ड्रॉप आउट के लिए। हाँ तो ड्रॉप आउट बता रही, देखो
0.9 सजेस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर लेयर के लिए. सो या इतना हुआ. लेट्स ट्राई दिस मॉडल. लेट्स सी क्या होता है. देखो वन की तरफ नहीं जा रहा है एक्यूरेसी ड्रॉप आउट इंट्रोड्यूस करने से. वहाँ पे बहुत पहले ही वन चला गया था. हाँ ये देखो बहुत सही परफॉर्म कर रहा है मॉडल. 0.7 से मैंने लेकिन एकदम भी ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. आई होप आपको पसंद आया और आपको चीज़ें समझ में आई. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.